सो हाय गाइस, मेरा नाम है अली। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह आप अपने सिस्टम परफॉर्मेंस को इनक्रीज कर सकते हैं। इनिशियली अगर आप डे वन में कोई भी सिस्टम बाय करते हैं, जैसे कि सिस्टम हो गया आपका पीसी या लैपटॉप, जब उसमें डेटा कुछ भी आप स्टोर नहीं करते हैं तो वो बहुत फास्ट चलता है, बट जैसे जैसे आप उसमें डेटा डालने लगते हैं, इंसर्ट करने लगते हैं, उसी तरह आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरता जाता है। तो ये एक्चुअल में होता कैसे और इससे हम किस तरह फिक्स कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लर्न करेंगे कि ये होता कैसे है। तो मान के चलिए एक मेरे हार्ड डिस्क है 1 TB की, ठीक है। अब इसमें मान के चलिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। 1 TB के हार्ड डिस्क में मान के चलिए 100 सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर इन द सेंस एक सेक्शन है, उस सेक्शन के बाद एक दूसरा सेक्शन है और हर एक सेक्शन की एक लिमिट होती है स्टोरेज कैपेसिटी। मान के चलिए जैसे मेरा एक 1 TB का डेटा है, यानी कि अगर मेरे 100 GB की फाइल है तो वो सेक्शन ए में यानी सेक्टर ए में आएगी और फिर अगली 100 GB डेटा सेक्टर बी में आएगी। इसी तरह सारे 10 सेक्टर में आ जाएगी तो पूरा TB मेरा यानी पूरी हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी। अब ये तो ईजी हो गया, अगर मैंने 100 GB की एक एक फाइल डाला, हर एक उसमें रीड हो गया। अब मैंने कोई भी फाइल को कॉल करना है, मान लीजिए सेकंड फाइल को यानी सेक्शन सेक्टर बी की, तो वो सेक्टर बी को रीड करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ये तो सिंपल मैकेनिज्म है, इसमें तो आपका कंप्यूटर जैसा एज नॉर्मल वर्क करता है उसी तरह वर्क करेगा। बट प्रॉब्लम कब आती है, मान के चलिए 50 GB की मैंने हर एक सेक्टर में फाइल अपलोड किया, ठीक है। तो 50 50 50 50 50 और अभी मैंने 50 50 डालने के बाद मैंने क्या किया, यानी कि हर एक सेक्टर में दो फाइलें, एक 50 GB की और एक दूसरी 50 GB की। अब मैंने क्या किया, जो दूसरी फाइल 50 GB की उसे डिलीट कर दिया हर सेक्टर में से, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे। यानी कि हर सेक्टर में एक 50 GB फाइल है और एक 50 GB का स्पेस खाली है। अब मैंने एक फाइल इम्पोर्ट किया जो मान के चलिए 500 GB की है, ठीक है। तो होगा ये, वो 500 GB की फाइल में से 50 50 GB का हर एक सेक्टर में डेटा जाएगा, क्योंकि हर एक सेक्टर में तो स्पेस खाली है, यानी सेक्टर ए में 50 GB उस फाइल का पहले डेटा जाएगा, फिर सेक्टर बी के 50 GB, यानी कि पहले एक फाइल ऑलरेडी उसमें, अब दूसरी फाइल का स्पेस था तो जो मेरी फाइल है उसका स्पेस जाएगा। अब सेक्टर बी में एक फाइल और है, अब इसका और 50 डेटा इधर जाएगा, यानी कि एक फाइल तो दूसरी है और एक फाइल में मेरा पहली फाइल का डेटा एक्सटेंडेड फॉर्म में। अब जब मैं उस फाइल को कॉल करूंगा जो मेरी 500 GB की है, तो मुझे हर एक सेक्टर का सेकंड पार्ट को रिकॉल रीड करना पड़ेगा, यानी कि सेक्टर ए का सेकंड पोर्शन को रीड करूंगा वो 50 GB, फिर सेक्टर बी का 50 GB। इसीलिए वो जो पूरी 500 GB की फाइल है उसको रिकॉल करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जो परफॉर्मेंस है मेरी डिग्रेड हो जाती है। अब इसी को फिक्स करने के लिए डी फ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब डी फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, मान के चलिए मैंने 50 50 50 50 GB कर दिया, अब आगे का 50 GB खाली है हर एक सेक्टर में। अब मैं क्या करूंगा, डी फ्रेगमेंटेशन करूंगा ना, तो जो सेक्टर ए में 50 GB खाली है वो सेक्टर बी का जो 50 GB का डेटा ऑक्यूपाइड है वो इसके खाली स्पेस में आ जाएगा। इससे होगा ये कि सेक्शन ए में दो फाइल आ गई 50 50 GB के, सेक्शन ए तो फुल हो गया बट सेक्शन बी पूरा एम्प्टी हो गया। अब सेक्शन सी और डी का 50 50 का फाइल बी में आ जाएगी, यानी सेक्शन सी और डी खाली हो गया। इसी तरह पूरा करता रहूंगा तो मेरी यानी अगर मान के चले 10 सेक्शन है तो 10 सेक्शन में से 5 सेक्शन फुल हो जाएंगे और 5 सेक्शन पूरे एम्प्टी हो जाएंगे। अब मैं कोई भी फाइल को कॉल करूंगा तो वो एक सेपरेट एक ही सेक्टर में या सेक्शन में है, तो उसी सेक्शन को रीड करना पड़ेगा, तो इसलिए वो फास्ट रीड होगा, ना कि मुझे मल्टीपल सेक्शन या सेक्टर को एक साथ रीड करना पड़े। तो यही होता है डीफ्रेगमेंटेशन। तो अगर आप डीफ्रेगमेंटेशन हर हफ्ते करें तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। अब यूजुअली लोग कहेंगे यार स्टोरेज से इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए, हमारे सिस्टम में रैम ज़्यादा होना चाहिए। तो भाई एक सिस्टम लीजिए सेम कॉन्फिग का और एक सिस्टम लीजिए सेम कॉन्फिग में, बट उन दोनों में डिफरेंस क्या कीजिए, एक में हार्ड डिस्क डालिए एक में SSD डालिए और दोनों को बूट कीजिए। जो हार्ड डिस्क वाला है वो 1 से 1.5 मिनट में पूरा बूट कंप्लीट करेगा और जो SSD वाला है वो हार्डली 15 से 20 सेकंड में ही बूट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे रीड राइट जो छोटी छोटी फाइल को रीड राइट करने की कैपेसिटी है वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज फॉर्म में रहती है SSD में, इसलिए वो जल्दी रिकॉल कर लेता है। जबकि यहाँ पे अलग अलग सेक्टर की वो छोटी छोटी एक एक बूट की फाइल को कॉल करना पड़ता है अलग अलग सेक्टर को, इसीलिए वो बूट होने में इतना टाइम लेता है। तो ये तो हो गया डिफ्रेगमेंटेशन। अब दूसरी चीज, डे बाय डे या तो आप 2 दिन में या 4 दिन में आप अपनी टेम्पररी फाइल्स को इरेज कीजिए, जैसे टेम्प फोल्डर हो गया
या कैश फोल्डर हो गया या प्रीफेच फोल्डर हो गया, उसमें जो फाइल्स होती है उसे आप क्लियर कीजिए। ये एक तरीके से जंक फाइल है, जो यूजलेस फाइल है। और थर्ड टिप, अगर आपके सिस्टम को थोड़ा बूस्ट देना है तो एनिमेशन को बंद कर दीजिए। जो जितनी भी एनिमेशन है, आप कोई भी विंडो या कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो एक एनिमेशन होती है, उसे आप बंद कर दिए। इससे आपका माइनर सेकेंड्स का डिफरेंस आपको नोटिस किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।